दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो 5P फॉर्मूला। 5P फॉर्मूला मतलब सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाना। शॉर्ट एंड एस्पायरेंट जितने भी हैं खूब मेहनत करते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सारे एस्पायरेंट जो प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद भी सफलता हासिल क्यों नहीं हो पाती है। क्या हमें वो 5P फॉर्मूला अपनाना चाहिए जिससे हमें सिलेक्शन मिल सके? तो वीडियो के अंत तक टिके रहिएगा। एक-एक जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांच ऐसी क्वालिटीज शॉर्ट एंड एस्पायरेंट के अगर अंदर होंगी तभी उसकी प्रैक्टिस करने का फायदा उसको भरपूर मिल सकता है। तो पहला पी क्या है? पहला पी है प्रायोरिटी। यानी कि अगर हम शॉर्ट एंड एस्पायरेंट हैं और हमारी प्रायोरिटी शॉर्ट एंड नहीं है, मतलब हम आज के इस डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के युग में सारा दिन उलझे रहते हैं। हमें लगता है हम ये भी कर ले, हमें लगता है हम वो भी कर ले। कभी बहुत सारे शाइनी ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने आते हैं तो लगता है यार ये भी कर लेना चाहिए। तो हर एक चीज हमें जो अट्रैक्शन की तरफ लेके चले जाती है, तो प्रायोरिटी जो है हमारी शॉर्ट एंड की वो कई बार हमारे से मिस हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी हम फोन पे जाते हैं, करने कुछ जाते हैं और जब वापिस निकल के आते हैं उस फोन से, तो हकीकत में कई बार हम वो काम जो करने गए थे उस फोन के माध्यम से वो कर ही नहीं पाते। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं प्रायोरिटी लूज हो रही है। अगर प्रायोरिटी लूज नहीं होगी, प्रायोरिटी आपकी स्ट्रांग होगी और वो शॉर्ट एंड होगी, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट उस प्रैक्टिस से बढ़ने वाले हैं। हर एक पॉइंट को आप प्रैक्टिस को कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर प्रैक्टिस कर रहा हूं और ये चीज भी इंक्लूड की जाए तभी सिलेक्शन हासिल हो सकता है। तो पहला पी है प्रायोरिटी। दूसरा पी क्या है? दूसरा पी है पॉजिटिव एटीट्यूड। तीन चीजें शॉर्ट एंड के एस्पायरेंट का कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रोंग करती हैं। वो तीन चीजें क्या है? अच्छा देखना, अच्छा सुनना और अच्छा बोलना। अगर हमारे जीवन में, क्योंकि शॉर्ट एंड एक ये नहीं है कि 5-10 मिनट डिक्टेशन लिखी और उसमें आप अच्छा कर ले, उसको अच्छा टाइप कर ले, बस ये शॉर्ट एंड, ऐसा नहीं है। हमारी जो सारी जो लाइफ है, जो सारा डे टू डे का रूटीन है, वो प्रभावित करता है हमारी शॉर्ट एंड को। अब मैं ये किस कंसर्न में बोल रहा हूं कि अगर हम अच्छा अच्छा सुनेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा देखेंगे, हमारा कंसंट्रेशन मजबूत होगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। हर एक चीज में अच्छा देखना, हर एक चीज में अच्छा ढूंढना, हर एक चीज में अच्छा सुनना। तो ये पॉजिटिव जो एटीट्यूड है शॉर्ट एंड एस्पायरेंट को कंसंट्रेशन की तरफ ले जाता है। और फिर जब अगर स्टूडेंट का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया तो वो प्रैक्टिस काम में आने वाली है। तब वो प्रैक्टिस हमारे लिए एक रामबाण का काम करेगी, तब वो हमारे लिए एक सिलेक्शन का काम करेगी। तो दूसरा, अगर आप अपने अंदर ये गुण अपना लें, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हर एक विफलता के प्रति भी, हर एक व्यक्ति के प्रति भी, हर एक समाज के उस प्राणी के प्रति जो भी हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, मतलब कहीं भी नेगेटिविटी ढूंढना बिल्कुल बंद कर दीजिए। डेफिनेटली आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी। तीसरी चीज क्या है? पैशन। क्या हम पैशनेट हैं शॉर्ट एंड के प्रति? मैंने कल के लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि एक बारी मैंने कॉल लगाया डॉक्टर जीडी बिष्ट जी को, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया शॉर्ट एंड की स्पीड को लिखने का। और उनका शॉर्ट एंड हाउस के नाम से, आई थिंक दिल्ली में उनका इंस्टीट्यूट था, वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने उनको कॉल किया, उनसे पूछा कि शॉर्ट एंड में PhD कैसे की जा सकती है, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट शॉर्ट एंड। मुझे बहुत इच्छा रहती थी। बहुत सारे एस्पायरेंट जैसे लाइव सेशन में सवाल करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इस कैटेगरी में क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि अगर आप पैशनेट हैं तो आप कट ऑफ की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बात करेंगे कि किस तरह से मुझे इस एग्जाम में टॉप में कर सकता हूं, कैसे मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में हासिल कर सकता हूं। क्या इतना पैशन हमारे अंदर है? क्योंकि हम अगर कट ऑफ की तरफ ध्यान देते हैं ना तो हमारे रिजल्ट गिरने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ही बहुत कम जगह है, मतलब बहुत नीचे की तरफ है। जब मैं अपने एग्जाम की शॉर्ट एंड के एग्जाम की जर्नी में चलता था तो 160 WPM की तैयारी में करता था। 140 को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं टच कर पाया, 160 नहीं कर पाया बट 140 को कर पाया। इट मीन्स वो जो पैशन था इस शॉर्ट एंड के प्रति, उसने बहुत आगे हमें लेके आई वो। तो इसी तरह से अगर आप पैशनेट रहेंगे,
और कट ऑफ से निकल के कुछ बड़ा सोचो, कुछ ये सोचो कि क्या अगर मैं एसएससी का स्टूडेंट हूं तो एसएससी में लास्ट टाइम जो मतलब टॉप का स्टूडेंट था उसकी कितनी मिस्टेक थी, क्या मैं उस पोजीशन पे आ सकता हूँ, क्या मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, ये माइंडसेट से चलेंगे तो कट ऑफ पे तो अपने आप अटक जाएंगे, वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा। चौथा पी क्या है? पंक्चुअलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट एंड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसको क्विट भी करते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर करते हैं, बहुत सारी चीजों को लेके चलते हैं। जैसे पहले पॉइंट में बात की थी प्रायोरिटी की, तो पंक्चुअलिटी में भी यही है कि हम किस चीज के प्रति पंक्चुअल हैं, क्या हमारी पंक्चुअलिटी शॉर्ट एंड के प्रति है, क्या हम कंसिस्टेंट हैं, क्या हम अपनी डेली रूटीन में इसको इतना महत्व दे पा रहे हैं, और जितनी मतलब जरूरत है शॉर्ट एंड के हिसाब से मेहनत करने की, क्या हम उतने पंक्चुअलिटी के तरीके से मतलब पंक्चुअल होके कर पा रहे हैं, या फिर हम कभी कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी बीच में छोड़ दिया, कभी कुछ और करने लगे, मतलब बहुत बार ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं, फिर हम कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे। तो पंक्चुअल होना पड़ेगा, रूटीन में मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, पेशेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस है। बहुत ज्यादा पेशेंस भी नहीं चाहिए, एक्शन भी जरूरी है। मतलब ये नहीं कि आप पेशेंस रख के बैठे रहें और सब कुछ अपने आप होता रहेगा, इतना पेशेंस नहीं चाहिए। और इतना पेशेंस भी चाहिए कि अगर आपको कोई विफलता मिलती है तब भी आप धैर्य रख सके, तब भी लगे नहीं ये पार्ट है, मैं इसको ओवरकम करूंगा, मैं इसको समझ के मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। तो पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा पेशेंस को कई बार तैयारी के लिए लूज भी करना पड़ता है कि मेरे को तैयारी करनी है, मेरा गोल है, मुझे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा स्पीड गेन करनी है। क्योंकि स्टूडेंट बात करते हैं सिर्फ स्पीड की, जब भी बात करेंगे कि 80 to 100 कब आ जाऊंगा, 90 to 110 कब आ जाऊंगा, 80 to 120 कब आ जाऊंगा, कभी भी कोई स्टूडेंट एक्यूरेसी की बात ही नहीं कर रहा। अब बहुत सारे लाइव सेशन अटेंड करने के बाद स्टूडेंट जब भी लाइव सेशन में आते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन है, कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट बात करते हैं कि मेरी एक्यूरेसी ये है और मुझे इतनी एक्यूरेसी पे जाना है। तो अगर ये 5P फॉर्मूला आप अपना लेते हैं, इन 5 पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हैं, आप पैशनेट हैं, आप पंक्चुअल हैं, आपके अंदर पैशन है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, और ये जितने भी आपको पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये अगर हमारे अंदर आ गए फिर वो प्रैक्टिस कमाल का काम कर सकती है, फिर वो प्रैक्टिस हमारे लिए मतलब सिलेक्शन का काम कर सकती है, फिर वो प्रैक्टिस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो अगर इन पॉइंट्स में कुछ भी पॉइंट्स आप लूज कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस जीरो हो जाती है, वो प्रैक्टिस किसी काम की नहीं रहती। तो बताइएगा कि आप किस पॉइंट पे बहुत मेहनत करने वाले हैं, कौन सा पॉइंट आपका स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इन 5 पॉइंट में से प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करेंगे तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।